जय श्री राम है सभी को। और यहाँ रशिया में थोड़ा ठंड बहुत कम हो गया है, धूप वगैरह आने लगी है रोज़ रोज़, तो बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है। मैंने सोचा आज आप सभी के लिए वापस से एक व्लॉग बनाऊं कि हमारे क्लासेस वगैरह आपको दिखाऊं क्या कैसा रहता है। तो आज हमारा दो कॉमन लेक्चर है और एक रशियन का जो क्लास लगता है वो क्लास है हमारा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रशियन क्लास में क्या करवाते, कैसे पढ़ाते, और हमारा जो कॉमन लेक्चर लगता है पूरे एक पतौक का, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे लेक्चर्स लगते हैं और कैसे क्या होता है, और हमारा जो नॉर्मल डेली रूटीन रहता है, जैसे मैंने एक ब्लॉग पहले बना रखा है वैसे ही एक और ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। और आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है, साथ में मुझे भी मज़ा आने वाला है। तो जैनम जय श्री राम बोल दे भाई। जय श्री राम भाई। तो फिर भगवान का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्लॉग। तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने पाँचवें ब्लॉग में, और ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि आज वैसे भी सैटरडे का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा और नया से स्टार्ट करते हैं। खैर अभी फ़िलहाल तो ठंड इतना ज़्यादा नहीं है और हवा वगैरह बह रहा है, अच्छा सा मौसम है एकदम। तो फ़िलहाल हमारी टैक्सी भी आ चुकी है, तो हम अपने टैक्सी में बैठते हैं और यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं। इस्त्राना कंट्री द्वी रशिया उज़्बेकिस्तान तजाकिस्तान। यस 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 यू हाँ रशो होम डू यू नो हु प्रैक्टिस राधे कृष्णा। आई नो पीपल Leave. Ufa. 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 Uh-huh. ISKCON temple. Da? ISKCON temple. Aha. Uh-huh. Хорошо. Wow, that's a you thing. Went there? What? You went to ISKCON temple? You go ISKCON? I know. No. Niyat? Mm-hmm. Today? Aha. Uh-huh. Today? In India. Oh ho ho. Russian friends. India, you, my friends. Okay, okay. Very good. Which place in India? What? Place, place. Kakoy place ko kya kehte hain yaar? City. Kakoy city. Manipur. 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 Oh, 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 oh. Okay, okay. You should also go India once. You should also go India. Tui India. Tui India. India. Flight. Flight India. We will go together. Mui. Tui. Saath mein jayenge. I need to go to India. Yes, 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 yes. We are also going. Very good place. Very good people in India. Food is delicious. Far more better than Russians. Oh, oh, oh. In India? Very good. राधे कृष्ण का वो राधे कृष्ण कल्चर ये लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इंडियन इंडियन गॉड इंडियन गॉड। तो गाइज ये कह रहा है कि ये भी अपने दोस्तों के साथ या इसके दोस्त है ना, वो 2 महीने के लिए इंडिया घूमे हैं और ये यहाँ पे इसके फ्रेंड्स ISKCON में राधे कृष्णा करने जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप आपके ऐसे मतलब ऐसे लोगों से मिलते हो जहाँ पे आपके कंट्री के रिलीजन को प्रमोट किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। ये इसके फ्रेंड्स मणिपुर में 2 महीने के लिए आए थे, वहाँ पे घूमे वगैरह, और यहाँ पे हमारा एक ISKCON टेम्पल है, मैं कभी जाऊँगा और वहाँ का भी व्लॉग बनाऊँगा आपके लिए। तो ये वहाँ पे जाते हैं, राधे कृष्णा करते हैं, बहुत ये सुन के बहुत प्राउड सा फील होता है कि यार चलो हमारी रिलीजन भी एक
बड़े लेवल पे नहीं तो एक छोटे लेवल पे भी प्रमोट तो होती है, इन लोगों को भी अच्छा लगता है ये सब करके, तो अच्छा है। और बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अभी पहुँच के। गाइस फिलहाल तो हम टैक्सी वैक्सी से उतर के और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम अपनी क्लास में रशियन लैंग्वेज के। बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स पहुँच गए और दो फ्रेंड्स आ रहे हैं अभी रास्ते में हैं वो अभी फ़िलहाल, और हम अभी टैक्सी से उतरे और उससे अच्छी खासी बातें हो रही थी कि भाई उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो इंडिया घूम चुके हैं और वो भी इंडिया वगैरह घूम चुके हैं। तो फिलहाल हम टैक्सी वैक्सी से उतर गए और अंदर एंट्री वगैरह ले लिया डॉक्यूमेंट दिखा के, और अभी जा रहे हैं। हमारा 6th फ्लोर पे है क्लास, तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। टैक्सी वाला बहुत अच्छा था, वो इंडिया के बारे में जानता था और उसको उसके फ्रेंड्स भी इंडिया वगैरह घूम चुके हैं। मणिपुर में 2 महीने उन्होंने स्टे करा और राधे कृष्णा का वो लोग कीर्तन वगैरह करते प्रे वगैरह करते, तो अच्छा लगा था ये सारी चीज़ें सुन के, बहुत अंदर से खुशी मिल रही थी हमें। तो ये चीज़ें हैं और अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे हमारा क्लास चलता है। और मैंने कल ही बात कर रखी थी हमारी रशियन टीचर से कि मैम मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ तो आप परमिशन देते हो क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा है ये चीज़ें बनाओ ताकि और लोग देख सके और लोगों को इन्फॉर्मेशन हो। उन्होंने भी ये कहा कि हाँ वो वीडियो में आएंगे, मैं वीडियो वगैरह ले सकता हूँ और उनके साथ भी आपकी बातचीत कराऊँगा, वो करेंगे आपसे बातचीत। तो 5 फ्लोर चढ़ के ना हालत जो होती है ना एकदम ख़राब हो जाती है, थक जाते हैं एकदम। 5 फ्लोर बहुत ऊपर है पर अभी 1 फ्लोर और चढ़ना है, वो भी एक अलग ही है सीक्रेट रास्ता है ये सब हमारे क्लास तक पहुंचने के लिए, तो अच्छा है। बाकी आपको मैं अब यहाँ एक अलग झमेला होता है, हमें क्लास ढूंढनी पड़ती है कि हमारा क्लास कौन सा है। तो चलो मैं एक बार क्लास में जाके आपको दिखाता हूँ कैसी क्लास है, क्या पढ़ाई होती है। तो गाइज हम अपना क्लास नहीं ढूंढ पा रहे, हम अपना क्लास ढूंढने में हम गुम हो गए, फेल हो गए, हम क्लास नहीं ढूंढ पाए। अभी वापस से जा रहे दूसरी साइड उल्टा घूम के और देखेंगे क्लास कहाँ है। और हमारी रशियन की टीचर बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है बच्चों को हर चीज़ों में और सारी चीज़ें अच्छी होती है, बहुत अच्छी टीचर है वो, पढ़ाती भी बहुत अच्छा है और हमें रशियन वगैरह भी अच्छे से सिखाती है पूरा 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 जो हाँ हमें डाउट होता है हमें ट्राई करती है कि वो हमें यहीं पे सिखाए। और क्लासेस में जो हम बात करते हैं ना वो कहती है कि टूटी फूटी भी आती है, एक वर्ड से भी बोलते हो लेकिन रशियन ही बोला करो ताकि तुम रशियन बोल पाओ और तुम्हारे लिए वो ज़्यादा ईजी हो। तो हम भी ये ट्राई करते हैं लेकिन अभी तो यार 6 महीने हुए कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल पाते, लेकिन ठीक है हम जितना बोलते हैं। अच्छा ये रहा। Okay, Karthik, let's start with you. No, we will not start with you. You agree with it. All the time when, yes, I ask you. तो ये हमारी रशियन की क्लास और ये हमारी टीचर हमें पढ़ा रही है। That's why I'm looking at you. Do you like being the leader? Yes. The group. Yes. Yeah, always the first. Oh, mokale aisha, mokale bara paper nahi. Shlok, когда ты прочитаешь рассказ? It is a question for you. And you answer. Shlok, пожалуйста, говорит брат. It is. Sir, говори. Пожалуйста. It is a question for you from Yashraj. Yes. Yes, what is your answer? Завтра. Я прочитаю. Я прочитаю завтра. Прочитаю. It is yes. Okay, then напиши future. You can write down future. NSV and future, будущее время. Well, like this, yes. It both sentences are in future, but they are different. There are different aspects of these sentences. Okay, then Abhishek, your sentence, please.
Мы будем есть перекрыли завтрак. Будем есть что? What? One more time. Мы будем есть. В ресторане завтра. В ресторане? Yes. In the restaurant? Yes. You? Okay. Very good. Rushik? Sentences. We both together prepared sentences. Sentences. I will ask questions and he will give the answer. Хорошо. In future tense. Sure. Okay. So. Can you start? Когда ты прочитаешь книгу? Я буду прочитать завтра. Я буду читать. Читать книгу. Okay. Then, когда ты будешь смотреть фильм? Я буду смотреть фильм завтра. Я буду. Буду. Yes, буду. Я буду. Смотрите. Okay. Very nice. Yes, good. Let's have a break. And during the break, please find. So ये हमारी so she is my Russian language teacher and she. Mm-hmm. teaches us very well. So I asked her about permission to tell something about our group and about this university. How is this university, ma'am? Can you tell them, please? Okay, I may speak Russian. If you will speak Russian, they'll not understand. Oh, really? Uh-huh. You should learn Russian to come here because it's really necessary. It is one of the most important subjects at the university. And students study here Russian language for 4 years, if I'm not mistaken, yes. Mm-hmm. And I'm the Russian teacher. Yes, yes. I like all groups that I teach, especially this group. Yes, yes. And okay. About this Ufa city, can you tell something? It's a really good city. Don't think that it's like in Moscow. It's like a big village. It is really quiet. Yes. Well, and calm. There are no any accidents or bad things happening in Ufa. Yes, it's obviously. Really it's very safe. Comfortable place to live in. Thank you, ma'am, for your informations. Okay, goodbye, good luck. Uh-huh. Come here to Russia, to Ufa. For studying. Okay, thank you. Ravina sir, kaisa raha session ka class? Bahut acha raha hai. Kitni jaldi aaya tha na session. Russian madam ko baat mein utar ke unse video bhi le liya. Aur kaisa raha tera matlab Russian ka class? Tu kitni jaldi aaya tha ye to bata. Hum log kafi jaldi aaye the. Chutne ka. Kyun bhai itni jaldi kyun aate ho tum log yaar? Thode late ho gaye khane peene ke chakkar mein thode se late ho gaye. Bhai padhai likhai karte nahi hai ye log khane peene ke dhyan mein rehte hai na padhte hai na kuch karte hai pura din raat kitchen mein baitha rehta hai. और किचन में बैठ के खाली खाना बनाता रहता है। नहीं पूरे रात में पूरी रात मैंने इंडस्ट्रियल मोटर्स पढ़ा था। इंडस्ट्रियल मोटर्स स्टार्ट्स जो जो पढ़ना चाहिए वो तो पढ़ा ही नहीं। कैसे होता है स्टार्ट कैसे होता है करके बता। चलो सही है भाई। अभी तो हमारा रशियन का क्लास खत्म हो गया है बाकी सब क्लास अब होगा हमारा कॉमन लेक्चर दो कॉमन लेक्चर लगेंगे उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कॉमन लेक्चर्स लगते हैं बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आता है खैर कोई नहीं जो भी रहता मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा और ध्रुव कैसा है भाई यार ये हमको छोड़ के चला जाता पता नहीं कौन कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेता जीत जाता है और भाई जीत जीत के आ जाता है भाई अभी रिजल्ट भी नहीं आया अभी रिजल्ट नहीं आया पर रिजल्ट आ जाएगा रशियन पोएम में भाई पार्टिसिपेट किए थे बता भाई रशियन पोएम में पार्टिसिपेट करता भाई हम बहुत अग्रस्त टास्क है हमको तो इधर रशियन बोलना नहीं आता और भाई हंसना इतना अच्छा भाई ऐसा झूप झूप करके बोल डालता सब अच्छा और रवासु कितनी जल्दी आया था आज ये क्लास पता है आधे घंटे बाद तो हम क्लास से ही छूट गए इतनी जल्दी इतना जल्दी आ गया था ये क्लास सब आता है इसको मैडम से ज्यादा इसको आता है इसलिए अब मैम ने इसको एक एक्स्ट्रा टास्क दिया है स्पेशल पर्सन के लिए कुछ स्पेशल पर्सन के लिए कुछ स्पेशल टास्क दिया है कि भाई करके आएंगे इतना ज्यादा अच्छे से रशियन बोलता है ना भाई ये क्लास में कि पता नहीं भाई मैम भी शर्मा जाती है कभी कभी तो इतना अच्छा अच्छा क्लास में मजा आवशे बाय बहुत भूखड़ लाग से बाय बहुत भूख लगता है अभी हम लोग जा रहे हैं चलो तो फिर और लोग कहाँ हैं तो अभी जाएंगे हम लोग कुछ खाने के लिए कुछ नाश्ता पानी करने के लिए क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं हमने तो निकल रहे हैं सारे अभी फ़ोन वगैरह करेंगे सबको बुलाएंगे यहाँ पे उसके बाद क्या कैसा रहता है देखेंगे आज हम पता है कहाँ जा रहे हैं
आज हम जा रहे हैं जैनम भाई का फेवरेट नाश्ता खाने। यहाँ है ना एक पकाचो करके मिलता है, 35 रुपीस का मिलता है, पिज्जा जैसा रहता है पर उस पर कुछ नहीं रहता, वेज रहता है सिर्फ, उस पर चीज रहता है और मेयोनीज और सिर्फ वो क्या कहते हैं उसको, सिर्फ नमक रहता है बस, इतना रहता है और वो हमें यहाँ पे देता है 35 रुपीस में। तो जैनम को बहुत पसंद है, जैनम रोज खाता है, रोज मतलब एक दिन में तो दो बार खा ही लेता होगा, इतना पसंद है इसको। तो आज वहीं जा रहे हैं, जैनम को भूख लगी थी, हाँ मेरे को भी सबको ही भूख लगी थी क्योंकि सुबह नाश्ता करके आए नहीं, तो और साथ में भाई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो फुल पावर में रहता है, लेक्चर अटेंड करने में शक्ति मिल जाती है लेक्चर, और हमारा शक्तिमान शक्तिमान और ये हमारे दोस्तों, और आयुष भाई कुछ बोलेंगे नहीं क्या, आयुष भाई कुछ तो बोलो यार। अच्छा बिल्डिंग के बारे में उस दिन बता दिया, आज कुछ और बता, आज उफा के बारे में बता कुछ। उफा बहुत अच्छा है अभी, मतलब मौसम बहुत अच्छा, मौसम भी अच्छा है, एटमॉस्फेयर सब बहुत बढ़िया हो गया, पहले जब आए थे कितना पहले जब था तो बहुत ठंडा, बंद हो गया तो बहुत अच्छा हो गया अभी, और अब तो ये पता है रास्ता वगैरह इतना साफ हो गया है पूरा, एकदम आने लगी है तो अब पूरा बर्फ बर्फ जो भी स्नो वगैरह था सब चल रहा है। और हमारे एक साहब है हमारे साहब कैमरा सही है, वो देखो पीछे चला गया, हमारे साहब लड़के से भी ज्यादा डरते हैं, साहब को पता नहीं क्या है बहुत टेंशन में रहते हैं वो साहब, कभी नहीं आते, अच्छा घुमाऊंगा पीछे चले जाएंगे, शर्माता है भाई बहुत, तो ये शर्माता बहुत है। खैर कोई बात नहीं भाई, हो जाएंगे, अभी तो हमने व्लॉग स्टार्ट ही किया है, आगे जाके तो और लंबा लंबा चलेगा और कंटिन्यू रहेगा, तो कब तक अपना चेहरा बचाएगा, नहीं बच पाएगा भाई, सब कुछ रिवील कर दूंगा श्लोक के बारे में एवरीथिंग। अंकल आंटी अगर आप देख रहे हो ना तो मैं श्लोक के बारे में हर चीज़ डालूंगा व्लॉग पे, आप मेरा व्लॉग देखते रहना, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। अभी तो हाल फिलहाल फेस रिवील होगा, अभी तो हाल फिलहाल उसका फेस रिवील करेंगे, हमारे जो भी दोस्त भाईचारे हैं या भाई हमारे जो भी जुड़े हुए हैं, भाई बहन जो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ यूट्यूब पे, उनको मैं श्लोक का फेस रिवील करके दिखाऊंगा, वो हमारे कुछ अलग पर्सनालिटी है उनका, तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा हमारा स्पेशल फॉर श्लोक भाई फेस रिवील्ड हैशटैग फेस रिवील्ड ऐसा, तो यही है भाई श्लोक, लेकिन शर्माता बहुत है, बहुत शर्माता, बोलता भी बहुत कम है सब कुछ, और पढ़ता तो इतना ज्यादा है ना कि मतलब यूनिवर्सिटी में इतना कोई ना पढ़े, ठीक टॉप नहीं एक्स्ट्रा टॉप कर लेगा, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर का एग्जाम दे देगा ऐसा भाई, सब यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा। हां आयुष भाई भी कुछ बोल रहे हैं, सब यूनिवर्सिटी घर पे देखे जाएंगे, बताओ यार यूनिवर्सिटी वाले भी डिग्री घर पे देखे दे जाएंगे ऐसा कह रहे भाई, चलो अच्छा है पावर है बंदे, चलाओ हां सही बात है पावर है। तो ये जो शॉप देख रहे हो ना ये शॉप है खौदरा गली, पका चुका ये खौदरा गली है हमारे यहाँ का खौदरा गली, 35 रुपए का मिलता है इधर पका चुका, पब्लिक तो भाई देखो यहाँ पे दिखा दो लोग कितने रहते हैं यहाँ पे, तुम लोग ले लो ना मैं बाहर ही रुकता हूँ है ना आपको। अभी श्लोक मेरे पास अकेले में आया था, श्लोक कह रहा था कि जो भाई तूने वीडियो डाली है ना, वीडियो में बोला ना प्लीज़ मत डालना भाई, बोला क्यों, बोलता भाई नहीं मत डालना, मैंने बोला डालूंगा भाई, फिर चुपचाप से अंदर चला गया शर्मा के मैंने वीडियो चालू कर दिया तो अंदर चला गया, खैर कोई नहीं अभी वो लोग ले रहे हैं अंदर, थोड़ी सी भीड़ है तो हम सोचे बाहर ही रुक जाते तो वो लेके आएंगे, और तब तक हम थोड़ा जूस वगैरह ले लेते कुछ फ्रूट जूस, ताकि उसके साथ खाने पीने में मज़ा आए पेट भरेगा। फिर अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट बाद हमारा क्लास वगैरह स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ से सीधा फिर यूनिवर्सिटी और फिर क्लास, तो कराशियो एंड लोय जिसको पता है इफ़ यू नो बहुत फेमस है ये दुकान क्या है ये यहाँ मतलब दुकान बहुत फेमस है भाई, यहाँ आए अपना फेवरेट वो लेने क्या कहते हैं उसको एनर्जी ड्रिंक ये ले लिया भाई ने, अब पेमेंट करेंगे यहाँ पे, अच्छा है आएंगे कोई नहीं है तो आएंगे, अच्छा है इस तरह से कुछ शॉप होता है, के बी नाम है इसका, बहुत फेमस है, लीकर वगैरह मिलता है यहाँ पे, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमारे काम की चीज़ें ये हैं चॉकलेट्स
बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट मिलती है, सस्ती मिलती है, बिस्किट वगैरह मिलती है, केक है, छोटे मोटे कॉफ़ी वगैरह है, अच्छा है। ये देखो वेफर वगैरह है, पर थोड़े महंगे हैं, चलेगा कोई नहीं। हाँ तेरे पे ये होता है पकाचू और ये होते हैं लोग पकाचू खाने वाले, और हमारे द ग्रेट सुपर ये पकाचू किंग है भाई। और जय हम मैं और जन्म तो बहुत कम आते खाने, लेकिन फिर भी हमारे भाई श्लोक और आयुष भाई एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। और ये आजकल नया प्लेयर आया है, इम्पैक्ट प्लेयर, इम्पैक्ट डालता है गेम में, इमर्जिंग प्लेयर है भाई ये हमारे पकाचू का। ये एक शॉप है गिटार का, अविनाश जो है ना उसको गिटार विटार का थोड़ा शौक है, गाना वाना अच्छा बहुत अच्छा गाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो अभी गाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ एक मिनट पहले वो चूज़ कर ले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। बजा कुछ गा के सुना भाई लोगों को। क्या बात है अविनाश, एक नंबर। तू कुछ बोलना चाहेगा भाई? बस क्या बात है यार, हम लोग सब कंट्री पार्टी करके तेरे लिए एक मस्त गिटार तो जरूर दिलाएंगे। ये कुछ गिटार्स है जो अविनाश भाई को पसंद है, बहुत जल्दी इसमें से कुछ एक हम खरीदने वाले अविनाश के लिए। यार क्या गाना गाया, बाकी एक नंबर अविनाश, दिल खुश कर देता है यार, मन करता है यार इसको अभी इधर कुछ सॉन्ग वोंग का रहता ना, ऑडिशन दिलवा देते इसको, इंडियन आइडल में जीता देते अभी इसके लिए। गिटार विटार देख रहे, कुछ दिनों में गिटार वगैरह लेगा, फिर यहाँ पे कंपटीशन वगैरह होगी तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाला, बहुत जल्दी, बहुत अच्छा गाना गाता है। हमारा बेस्ट विशेज है हमारे भाई के साथ, एकदम बढ़िया से वो गाना वाना गाए और आगे बढ़े, साथ में MBBS करे, पढ़ाई करे, सब बढ़िया है। आज का रॉकस्टार हमारे साथ है, आप सभी को गाना कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि भाई इतना अच्छा गाना गाता ना, दिल खुश कर देता एकदम, थोड़ी देर के लिए हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है इसका गाना सुन के। मैंने कितनी बार अपनी मम्मी को भी इसको बोला कि गाना वाना सुना कभी, इसने बहुत बार मम्मी को भी मेरे वीडियो कॉल पे गाना वगैरह सुना है, मम्मी भी खुश हो जाती है, एकदम मज़ा आ जाता है भाई इसका गाना वगैरह सुन। तो आप कभी देखो ये वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, भाई को मोटिवेट करना ताकि ये आगे भी ऐसे ही गाना गाते रहे और लोगों के लाइफ में ऐसे ही खुशियाँ बांटता रहे और खुद भी खुश रहे हमेशा। तो गाइज हम पहुंच गए हमारे बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में हमारा अभी कॉमन लेक्चर है, हम पहुंच गए वहाँ पे, तो आपको मैं अभी क्लास दिखाता हूँ कि कैसा है क्लास। जहाँ सीट मिले वहाँ बैठ जाएंगे, ये रहा।
हमारी जगह इधर। अरे ब्लॉगर नहीं नहीं ब्लॉगर और कैसा भाई, अब तो आ गया, अब क्या हटा। और भाई बस भाई तो बहुत फेमस हो गया भाई, पता है नहीं और इसको फेमस कर देंगे, कर देंगे फेमस। आगे जाके निकाल क्यों, आगे जाके पूरे पोतों का भाई। हम बैठ गए, हमें सीट मिल गई, बहुत मुश्किल से सीट मिली है। लीडर्स लोग लड़ाई कर रहे हो वो दिखा ना, अभी वो सब चलता है, वो सब थोड़ा बहुत चलता रहता है, वो कुछ बड़ी बात नहीं है। वो सीट वगैरह नहीं मिलती है ना, आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ा तकलीफ पड़ जाता है भाई सबको। अभी हमें मान सीट मिली है, हम बैठे, अभी हमारा क्लास चालू होगा और मौका मिलेगा तो मैं आपको क्लास भी दिखाऊंगा, कौन सी टीचर पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, वो सब भी आपको बताऊंगा। और ये हमारे दोस्त से मिलो, गौरव सिंघानिया है ये हमारा, और ये हमारे काका वाले हैं। अभी देखते हैं क्या होता है क्लास में, वैसे वैसे आपको हम दिखाएंगे आगे का सीन। तो भाई अभी हमारा ब्रेक वगैरह चल रहा था, एक लेक्चर ख़त्म हो गया है। एक लेक्चर ख़त्म होने के बाद अभी 10 मिनट का ब्रेक था, तो थोड़ा बाहर वगैरह जाके आए, और अभी हमारा दूसरा लेक्चर चालू होने वाला है और ये लास्ट लेक्चर है। तो अभी मैं आपको क्लास का दिखाता हूँ कि किस तरह से क्लास है, ब्रेक में कैसे रहते हैं, और फिर अभी हमारी टीचर भी आ गई है तो क्लास चालू होने वाला है। Address them with such kind of things. We have to have a respectful attitude towards such people. तो हमारी आज की सारी क्लासेस हो गई है खत्म। मौसम बहुत अच्छा है, देख सकते हो पूरा ऊपर बहुत अच्छा सा दिख रहा है सारा स्काई वगैरह। और बस अभी हम निकले क्लास से, सारे बच्चे छूट गए, अब देखते हैं प्लान क्या होता है आगे का। खैर प्लान जो भी रहता है, अभी हम जाते हैं हॉस्टल, खाना वाना बनाते और आराम से रेस्ट करेंगे। कल तो संडे, संडे को फिर घूमने जाएंगे, घूमने बढ़िया एकदम मजा आएगा। जैनम बहुत दिन से घूमा नहीं है ना, कह रहा था कि घूमने जाना, ठीक है ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है। फिर ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखना, मौज मस्ती करो, पढ़ाई लिखाई करो और आगे बढ़ते रहो सारे के सारे, ठीक है भाई। जय श्री राम, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।